अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सबका। आज मैं बनाने लगी हूँ फ्रूट सैलेड। इसके लिए लिए मैंने ऑल पर्पस क्रीम और साथ में ये कीवी लिए, अनार लिए, एप्पल लिए और ग्रेप्स लिए हैं। और कीवी के मैं आपके साथ कुछ इस तरह बेनिफिट्स शेयर करूँगी कि कीवी में विटामिन सी और विटामिन ई होता है और इसमें फाइबर होता है, पोटेशियम, सोडियम और होने वाली बीमारियों के लिए काफ़ी है वो, उसके लिए भी ठीक है। इससे ये बीमारियों से ये लड़ता है और ये वेट लूज़ करने के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप प्लीज़ इसको खाएं अपने फ्रूट्स सैलेड में, इसमें ये ज़रूर से रखें। ये दही मैंने लिए, दही को मैंने एक प्याली को मैंने अच्छी तरीके से फेंट लिया। फेंटने के बाद इसमें मैंने म्यूनिस ऐड की है, म्यूनिस के मैंने लिए कम से कम 5 टेबल स्पून। और इसमें मैंने ये क्रीम ऑलपर्स की जो मैंने थी ये पूरी मैंने इसको डाल के मैंने उसको अच्छे से मिक्स किया है। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये सारे ये मटीरियल को यानी अच्छे से इन सब चीज़ों को यकजान कर लिया। यकजान करने के बाद अच्छे से जब ये सब मिक्स हो गए तो इसमें हमने थोड़ा सा इसमें नमक ऐड किया है। नमक ऐड करने के बाद इसमें हमने शुगर ऐड किया। शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मैंने 5 से 6 टेबल स्पून इसमें ये ऐड किए हैं। मुझे ज़्यादा शुगर अच्छी लगती है, बच्चों को, मेरी फैमिली को, जैसे हमें पसंद है हमने उस हिसाब से। साथ मैंने ये जो पड़ी हुई थी ये स्पैगेटी हमने बॉयल होने के लिए रख दी। बॉयल ये देखिए ये बॉयल हो गई है, तो बस मैं इसमें सबसे पहले मैंने इसमें ग्रेप्स कट करके डाले हैं, फिर मैंने ये बॉयल स्पैगेटी इसमें ये ऐड किए। बाकी मैंने थोड़ी अलग रखी थी कि ज़्यादा ना हो। इसमें एप्पल्स कट करके हमने डाले हैं। इसमें हमने ये अनार छील के डाल दिए। अनार खाने से ना शरियानों को नुकसान होगा, ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और मोटापा भी कम रहेगा। जिनका रंग खून की कमी की वजह से पीला पड़ गया हो, इनके लिए अनार खाना बहुत मुफीद साबित होता है। तो प्लीज़ अनार ज़रूर खाइए। अनार आया हुआ है आजकल। और ये हमने इसमें कीवी कट करके हमने ऐड कर दिए। कीवी को कट करके ऐड करने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स किया जिस बाउल में मैं वो मिक्स कर रही थी। फिर बाद में बस फिर मैं इसको ट्रांसफ़र किया दूसरे बाउल में। तो ये अब हमने सर्व के लिए अब हमने दूसरे बाउल में इसको कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी फ्रूट सैलेड की ये रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर बनाएं, अपने घर वालों को खिलाएं, अपनी फैमिलीज को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने प्यारों को। इंजॉय करें, खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you.